भारतीय क्रिकेट टीम को यह दुआ करना चाहिए कि उसका सेमीफाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के साथ ना पड़े, नहीं तो भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के साथ इस सेमीफाइनल मुकाबले में हार कर हो सकती है इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर, क्योंकि न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के साथ भारतीय क्रिकेट टीम कभी भी T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में जीत नहीं दर्ज कर पाई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, अब तक भारत और न्यूजीलैंड के मध्य T20 विश्व कप में कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने 4 बार भारतीय क्रिकेट टीम को हरा दी है और एक बार मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। पिछले 18 वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ ICC के किसी भी बड़े इवेंट में खेलते हुए अभी तक जीत नहीं दर्ज कर पाई है। अंतिम बार भारतीय क्रिकेट टीम सौरव गांगुली की कप्तानी में सन 2003 के विश्व कप में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हरा पाई थी। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का अपने ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो गया है। ऐसे में अगर भारत और न्यूजीलैंड के मध्य इस साल का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को हराकर पिछले 18 वर्षों के इस शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। कमेंट में अपना राय दें। दोस्तों यदि आपको भी लगता है भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को हरा सकती है इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भी चाहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम इस साल का विश्व कप जीते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।